इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम पावलिन रहता है, और उसी के सामने उसी की जैसी एक और लड़की रहती है जो जॉम्बीज की तरह लग रही थी, और वहाँ पर वो खून की उल्टी भी करती है। लेकिन ये सच नहीं था, पावलिन ऐसा सपना देख रही थी। वो अक्सर ऐसे सपने देखा करती थी क्योंकि वो थोड़ी पागल थी और उसकी सोच सभी से काफ़ी अलग थी। अब इसके बाद उसकी सिस्टर ग्रेस को दिखाते हैं जो ऑक्सीजन ले रही होती है, क्योंकि उसकी बहन को सिस्टिक फाइब्रोसिस था। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उसके लंग्स खराब थे। अब इसके बाद उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं जिनमें थे फिलिस और बॉब, तो वो सभी अब खाना खा रहे होते हैं और पावलिन आवाज़ कर कर खाना खा रही होती है, और उसकी मॉम पावलिन से बिना आवाज़ किए खाना खाने के लिए कहती है। इससे पावलिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाती है। तो उसकी मॉम काफ़ी खड़ूस थी लेकिन वो ग्रेस से काफ़ी प्यार भी करती थी। अब पावलिन सेक्स क्लास में रहती है और वो अपने टीचर से काफ़ी अजीब क्वेश्चन पूछती है क्योंकि वो लड़की ही काफ़ी अजीब थी। क्लास के बाद वो ग्राउंड में रहती है, वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं जिनमें से एक नेटली रहती है। नेटली अपने बॉयफ्रेंड एडम के बारे में बुराई करती है, कहती है कि वो सेक्स करने में अच्छा नहीं है। इतने ही वहाँ पर एडम आ जाता है और पावलिन एडम को बता देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पीछे से तुम्हारी बुराई कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ घर आती रहती है कार में, लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी तो उसकी मोम उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, बट पावलिन इसके लिए मना करती है और उसकी मोम पीछे पड़ जाती है तो वो सीट बेल्ट को लगा लेती है। तो पावलिन पागल तो थी तो उसे साइकिस्ट्रिक की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उसकी मोम उसे डॉक्टर विलियम के पास लेकर जाती है, और पावलिन को डॉक्टर विलियम पसंद नहीं था इसलिए वो उससे अजीब तरीके से बातें करती है और वहाँ से आ जाती है। अब वो गॉड के सामने कॉन्फेस करती है, वो गॉड को मानती नहीं थी बट फिर भी उनके सामने अपनी दिल की बात कहती है। अब वो सभी खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर पावलिन की मॉम पावलिन से कोटिलियन क्लासेस के लिए कहती है। पावलिन को कोटिलियन क्लासेस पसंद नहीं थे और वो अपनी मॉम से इसके लिए मना भी करती है बट उसकी मॉम मानती नहीं है। बट ग्रेस कोटिलियन क्लासेस के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती है। इसके बाद पावलिन को फिर से अजीब सा सपना आता है जिसमें एक लड़की का सर कटा हुआ रहता है और वो उसके साथ रोमांस करती है, तो वो उठ जाती है। अब वो अपनी वर्जिनिटी लूज करने का फैसला कर लेती है ताकि वो इमेजिनेशन कर सके। तो वो एडम के पास जाती है स्कूल में और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए, और उसे अपना नंबर देती है और वहाँ से आ जाती है। अब वो अपनी बहन के साथ रहती है और वो उसे भी अपनी वर्जिनिटी लूज करने के बारे में बताती है। उससे कहती है कि मैं अपनी वर्जिनिटी जब लूज करूँगी तो मैं जब पीरियड में रहना चाहूँगी। इतने ही वहाँ पर फिलिस आ जाती है और वो ग्रेस को वहाँ से ले जाती है। अब पावलिन अपने रूम में रहती है और वो अपने आप ही पियर्सिंग करती है। इसके बाद वो सो जाती है और उसे फिर से सपना आता है। वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती हैं और वो बाथटब में जाती है जिसमें खून रहता है और उसमें नहाती है। अब वो सभी फैमिली खाना खा रहे होते हैं और उसकी मॉम को पावलिन की पियर्सिंग के बारे में पता चल जाता है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी मॉम वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद वो दोनों बहन बातें कर रहे होते हैं तो ग्रेस पावलिन को बताती है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया है जिसका नाम मार्टी था। लेकिन इतने वहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जो उनकी पड़ोसी थी और वो रस्सी कूद रही थी, तो पावलिन उससे बातें करने की कोशिश करती है उससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो लड़की पावलिन का मजाक उड़ाती है। तो वहीं पर ग्रेस पावलिन यानी अपनी बहन की ओर लेकर उस लड़की से लड़ती भी है और इसके बाद वो पावलिन को वहाँ से ले जाती है। अब इसके बाद पावलिन के पास एडम की कॉल आती है और एडम पावलिन के साथ सेक्स करने के लिए मान जाता है, तो वो मंडे का प्लान बनाते हैं। तो मंडे को पावलिन अपने मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम से झूठ बोल देती है, कह देती है कि एडम उसे पिक करने के लिए आ रहा है ग्रुप स्टडी के लिए, लेकिन वो तो कुछ और करने ही जा रहे थे। तो उसकी मॉम उसे अच्छे से तैयार करती है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। अब वहाँ पर एडम भी आता है अपनी कार लेकर और वो पावलिन को एक मोटल पर लेकर जाता है। वहाँ पर पावलिन एडम का पीनस देखने के लिए कहती है और एडम उसे दिखाता भी है, तो उसका पीनस काफ़ी छोटा था। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ पर सेक्स करते हैं। सेक्स करते टाइम
पावलिन इमेजिनेशन करती है, वो खून में लथपथ रहती है। इसके बाद पावलिन एडम को नीचे से करने के लिए कहती है, तो एडम जैसे ही नीचे से करता है वो एकदम से बाथरूम में भाग जाता है, क्योंकि उसका पूरा मुंह खून में हो गया था क्योंकि पावलिन इसके पीरियड आ रहे थे। अब इसके बाद एडम पावलिन को उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद पावलिन अपने बेडरूम में रहती है और वो फिर से इमेजिनेशन करती है, तो इस बार वो प्रेगनेंसी का इमेजिनेशन करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने से डर रही। अब इसके बाद फिलिस को दिखाते हैं जो ग्रेस के साथ रहती है, तो ग्रेस वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी। तो अब इसके बाद ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और पावलिन को पता भी चल जाता है कि ग्रेस के अब लंग को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी। अब इसके बाद पावलिन अपनी क्लास में रहती है और वो माइक्रोस्कोप से अपने ब्लड को चेक भी करती है ये देखने के लिए कहीं उसे STDs तो नहीं है। इसके बाद वो एडम के पास जाती है, वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड नेटली भी रहती है, और वो नेटली से कहती है, क्या कभी तुम्हें STD हुआ है? नेटली उस पर जवाब देती है कि कभी नहीं। तो वहीं पर पावलिन कहती है, अगर तुम्हें भी नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। इसी बात से नेटली को पता चल जाता है कि उसने एडम के साथ सेक्स किया था। अब इसके बाद वो डॉक्टर विलियम के पास रहती है, लेकिन वो डॉक्टर विलियम की काफ़ी बेइज्जती करती है, और विलियम इस बार उसकी मॉम को भी इसके बारे में बता देता है। अब इसके बाद पावलिन गॉड के सामने कॉन्फेस करती है, और वहीं पर हमको पता चलता है कि वो अपनी मॉम को मारना चाहती थी ताकि उसे कोटिलियन क्लास ना जाना पड़े। अब इसके बाद पावलिन अपने स्कूल में रहती है, वहाँ पर उसके पास नेटली और उसकी फ्रेंड आती है, तो नेटली ने एडम के साथ ब्रेकअप कर लिया था पावलिन की वजह से, और वो पावलिन की वहाँ पर बेइज्जती भी करती है, लेकिन पावलिन कुछ नहीं कहती है। अब पावलिन अपने बेडरूम में रहती है और वो अपनी बेली को चेक कर रही होती है, उसकी बेली थोड़ी सी बाहर निकल आई थी और वहाँ पर वो कुछ निशान भी लगाती है क्योंकि वो अपनी बेली का खुद से ऑपरेशन करने वाली थी, लेकिन इसके बारे में ग्रेस को पता चल जाता है और वो पावलिन को बताती है कि लड़कों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती है। अब पावलिन अपनी क्लास में रहती है और वो टॉयलेट जाती है, वहाँ पर वो एक सिरप पी लेती है और क्लास में आ जाती है, और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो टीचर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन टीचर को लगता है वो झूठ बोल रही है और उसे जाने नहीं देता है, और वहाँ पर उसके साइड में जो लड़की बैठी थी वो उसके ऊपर उल्टी भी कर जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि सभी को लगे कि वो बीमार है और उसे कोटिलियन क्लास ना जाना पड़े, बट इसके बारे में उसकी मॉम को पता चल जाता है। तो अब इसकी मॉम पावलिन को तैयार करती है कोटिलियन क्लास जाने के लिए, और वो कोटिलियन पर रहते हैं। पावलिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, तो पावलिन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम सेबास्टियन रहता है, और वो पावलिन के साथ डांस करने के लिए कहता है, और वो डांस करते भी हैं। अब इसके बाद ग्रेस को दिखाते हैं जो एक लड़के के साथ किस कर रही थी, लेकिन इतने वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो ग्रेस को ऐसा करने के लिए मना करती है। अब इसके बाद पावलिन को दिखाते हैं तो सेबास्टियन उसे किस करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिप्स पर छाले हो रहे थे, लेकिन पावलिन फिर भी उसे किस करती है मन से, और सेबास्टियन को इससे काफ़ी बुरा लगता है। अब इसके बाद वो कोटिलियन से आ जाते हैं, और घर आती पावलिन गंदे पैरों से ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि वो घर के फर्श को भी गंदा कर देती है। अब उसका डैड फर्श को सफ़ा करता है। अब ग्रेस को दिखाती हैं जिसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और पावलिन उसके खांसने की आवाज़ को सुन रही थी, यानी कि उसे पता चल गया था कि ग्रेस की तबीयत ख़राब होती जा रही है। तो अगले दिन वो स्कूल को बंक करके लाइब्रेरी जाती है, वहाँ पर वो लंग्स की पढ़ाई करती है ताकि वो अपनी बहन को ठीक कर सके, लेकिन इसके बारे में उसकी मॉम को पता चल जाता है कि पावलिन ने स्कूल बंक किया था, और वो पावलिन में थप्पड़ भी मारती है। तो पावलिन इस वजह से काफ़ी सैड रहती है और वो घर से बाहर रहती है। वो रास्ते में जा रही होती है तभी वहाँ पर उसे एक पंछी दिखाई देता है जो मरा हुआ रहता है, तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर ले आती और वो उसे बीच में से काटती भी है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ था। तो वो अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी उसे ठीक करने के लिए। अब फिर से रात को वो सो जाती है और उसे फिर से अजीब सा सपना आता है। अब अगले दिन पावलिन की मॉम पावलिन से अच्छे से पेश आती है और वो उसे अच्छे से बातें करती है ताकि पावलिन ये सब पागलपंती करना बंद कर दे, लेकिन पावलिन को इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
तो अब इसके बाद एडम की एक्स गर्लफ्रेंड नेटली और उसकी फ्रेंड ने पावलिन के घर पर टॉयलेट पेपर फेंक दिए थे और स्प्रे पेंट से उनके घर पर कंट और हॉल लिख दिया था, जिसकी वजह से पावलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो गुस्से में स्कूल जाती है। पहले तो वो एडम को फेंकती है, उसके बाद वो नेटली के सर को लॉकर में मारती है। इस लड़ाई की वजह से अब वो प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है और प्रिंसिपल पावलिन को स्कूल से निकाल देता है। इस वजह से उसकी मॉम पावलिन पर काफ़ी गुस्सा भी होती है और वो उसे रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन पावलिन रूम में जाती नहीं है क्योंकि वो किसी की भी बात को नहीं मानती है। अब वो बाथरूम में रहती है और वो खुद से अपने हाथ पर टैटू भी बना लेती है। इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल जाता है और उसे फिर से काफ़ी गुस्सा आता है। अब इसके बाद फिलिस के पास बॉब आता है और फिलिस बॉब से कहती है कि डॉक्टर ग्रे ने कहा है कि ग्रेस का ट्रांसप्लांटेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, और उनकी इस बात को पावलिन सुन लेती है। और इसके बाद पावलिन अपनी बहन ग्रेस के पास जाती है, तो ग्रेस का सपना था शादी करने का और वो पावलिन को इसके बारे में ही बताती है। और वहीं पर पावलिन ग्रेस से कहती है कि मैंने तुम्हारी बीमारी के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। अब इसके बाद वो खाना खाते हैं, तो इस बार पावलिन उन सभी से अलग ढंग से बातें करती है अच्छे तरीके से, और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊँगी, क्योंकि अब वो कुछ बड़ा करने वाली थी। अब वहीं पर ग्रेस को खांसी होने लगती है क्योंकि उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब रात को वो फिर से इमेजिनेशन करती है और इस बार वो कुछ लड़कियों की सर्जरी भी करती है। तो अगले दिन उनकी मॉम तो कहीं बाहर गई थी, तो पावलिन अपने डैड के लिए चाय बनाती है जिसमें वो बेहोशी की दवा मिला देती है। उसके डैड ये सब देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसमें बेहोशी की दवाई थी, और वो उस चाय को पी भी लेता है। अब इसके बाद पावलिन अपनी पड़ोसी के पास जाती है जो रस्सी कूद रही होती है, और वो उससे सॉरी बोलती है और पावलिन उससे अपने घर आने के लिए कहती है, उससे कहती है कि हमारे घर पर कुछ पुरानी रस्सियाँ भी पड़ी हैं। तो रस्सियों के लिए उनकी पड़ोसी उसके घर पर भी आ जाती है, लेकिन पावलिन उसे घर के पीछे ले जाकर उसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाती और अपनी बहन से कहती है कि मैं अब ऐसा काम करने वाली हूँ जिससे आगे जाकर तुम मुझे थैंक्स बोलोगी, और अपनी बहन को भी बेहोश कर देती है। तो वो अपनी बहन ग्रेस का लंग ट्रांसप्लांट करने वाली थी खुद से अपनी पड़ोसी के लंग से, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो ग्रेस के लंग को अपनी पड़ोसी के लंग से ट्रांसप्लांट कर लेती है और उसके बाद उसे सिलती भी है। वो ग्रेस को ठीक करने के चक्कर में ग्रेस को मार देती है। अब उनके घर पर फिलिस आती है और वो बॉब को बंधा हुआ देखती है, तो वो ग्रेस को ढूंढने लगती है, लेकिन ग्रेस उसे कहीं नहीं मिलती है। तो वो गैराज में आती है, गैराज में आकर वो ग्रेस की बॉडी को देखती है। पावलिन ने ग्रेस को मार दिया था। अब पावलिन फिलिस से कहती है कि ये मेरी फर्स्ट सर्जरी है, और वो अपनी मॉम को नज़दीक से आने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और रोने भी लगती है। अब पावलिन को भी रियलाइज़ हो गया था कि उसने अपनी बहन को मार दिया था उसे ठीक करने की वजह, और वो भी वहाँ पर रोने लगती है। बट अब रोने का क्या फ़ायदा क्योंकि ग्रेस तो मर गई थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।